डिफिकल्ट है ट्रैक। फाइनली वी आर हियर। हम लोग पहुंच गए डबल डेकर के पार्किंग वाले एरियाज में। गाड़ी हमारी पार्क हो गई सबसे लास्ट में और अब हम उतरने वाले हैं। लगभग 4000 सीढ़ी डाउन जाएंगे तब जाके हमें मिलेगा देखने को डबल डेकर ब्रिज। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ 4000 सीढ़ी उतरनी है। मान लो किसी तरह उतर भी गए फिर 4000 सीढ़ी ऐसे चढ़ के आनी भी। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो हमारी अब जर्नी शुरू होने वाली है डबल डेकर के लिए नीचे जाने के लिए। तो हमारे साथ एक और टीम है 4 बंदों की, वो भी हमारे साथ ही चलेंगे और ये भाई हमारे गाइड। तो भाई हमारे गाइड करेंगे नीचे जाने के लिए। ऐसे गाइड लेना कंपलसरी होता है। चलते हैं जर्नी शुरू करते हैं। एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी शुरू होने वाली है। अब जब उतरना शुरू करोगे तो ऐसे व्यूज से आपकी स्टार्टिंग होगी। अब नीचे चलते हैं देखते हैं कैसे व्यूज मिलने वाले हैं हमें। एक्सप्रेशन देखिए, फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए आप। बात चेक होने वाली अपनी फिजिक। तो अभी हम 200 सीढ़ी नीचे आए थे अप्रॉक्स। तब तक जो हमारी एक और टीम थी 4 बंदों की जो मिली हमें रिसेंट, वो वापस चले गए। क्यों चले गए नहीं बताया उन्होंने। सामने का व्यू भाई साहब क्या खूबसूरत है, ऑसम भाई। अगर मुझे 2-4 जन्म मिलते ना तो मैं एक जन्म तो यही चिरापुंजी के लिए फिक्स कर देता। मैं यही एक जीवन बिताता अपना। चिड़िया सीधी होती जा रही है और व्यू सामने का। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है क्या? देखो भाई अभी उतरना शुरू किया है। टाइम हो रहा है 1:20 बोल सकते हो आप। 1:30 बज रहे हैं। 1.5 आवर फेस पे देख के आप एनर्जी का अंदाज लगा सकते हो। एनर्जी ऑन द पीक है। अब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ताकि नीचे चल के देखते हैं कितनी एनर्जी कैसे बचती है। जो आ रहे हैं ना उनके चेहरे को देख के डर लग रहा है मुझे। एनर्जी डाउन है, सब पसीना पसीना हुआ पड़ा। जिंदगी का मोस्ट डेंजरस ट्रैक होने वाला है वैष्णो देवी के बाद। आधा सफर हमने तय कर लिया है डबल डेकर के लिए और आधे दूर आते हैं तो आपको ये एक छोटा सा गांव देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा सा प्रकृति के बीचों में बसा हुआ, बहुत ही खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग। आइए साथ चलते हैं। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे शॉप है, पानी मिल सकता है, ये खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ये अवेलेबल है। हाफ रास्ता आने के बाद हमारे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ। ये हम मिले थे हम इन्हें डाउकी रिवर में, जो एक और पार्टनर थे हमारे साथ जो बोटिंग किए थे वो इनके फादर थे। और फिर अगेन वी मीट ओवर हियर। How was the experience? Yeah, that is great. The water is nice and cool. Yeah, it's worth it. Yeah, yeah. The trek is like a little hard, but it's worth everything. Okay. This was also part of trek. डबल डेकर के ट्रैक के बीच में वो भी आएगा, एक कमाल का एक्सपीरियंस। और अभी आप देख सकते हो इधर देखो आप, अभी तो उतरे ही हैं, अब चढ़ लेते हैं, देखते हैं चढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तुरंत ही रेस नहीं किया है कहीं भी हमने, अभी उतरे उतनी सीढ़ी फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। इस रूट में, इस ट्रैकिंग में एक और एडवेंचरस रूट जुड़ चुका है हमारे साथ। एक और ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, इट्स ऑन रिवर, यू सी द रिवर। सो इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम आपको गाइड लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रूट है ना वो जाके ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसे आप कन्फ्यूज हो कि इसमें घूम जाओगे फिर घूमते रह जाओगे। ब्रो मैं डबल डेकर के ट्रैक के बीच में हूँ और लिटरली मैं बता रहा, ये जो एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। नेचर ब्यूटी इतने पास से देखने को मिलेगा आप सोच नहीं सकते। तो आप मेघालय आओ, डबल डेकर को बकेट लिस्ट में रखो आप, मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको। अरे बगल से रोड के जस्ट देखो आप, या ये ट्रैकिंग का ये रूट है, आप ध्यान से, ये ट्रैकिंग का रूट है इतना बस। और जस्ट बगल से ये डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, इस साइड भी और मस्त व्यू लेते हुए आप चलो एंजॉय करते हुए। ये जो आप देख रहे हो ना ये मेरे हाथ में, ये मैंडेटरी है 100%। आपको, आप किसी भी एज में हो कैसे भी हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस में इसे मिस ना करो, आप ले लो। उतरने में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पर चढ़ने में ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है आपके लिए। अब तक का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो उतरने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई है, मैं अभी फिट हूं, अभी मुझे कोई इशू ऐसा नहीं आ रहा है जो लगे मुझे मेरी ट्रैक को रोक सकता है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, मैं प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा मैं उतना थका नहीं हूं, बहुत हल्का फुल्का आ रहे हैं चेंजेस आ रहे होंगे आवाज़ में। इधर चढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है, तो लेट्स गो।
is the ticket. Finally, we have reached over here. जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से मतलब उस वक्त टाइम जो हो रहा था 120 हो रहा था और अभी जो टाइम हो रहा है वो 245। पानी क्या है मेरे लिए ये तो आप सब जानते ही हो। पानी जहाँ दिखा मतलब कूद जाओ उसमें, ठीक है। वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फ्यूल है मेरे लिए, पानी फ्यूल है। ये तो पैर में ना मछलियाँ काट रही हैं। ये है डबल डेकर रेस, आप सब देख सकते हो मेरे पीछे, और ये मैं इंजॉय करते हुए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पैर में ये काट कैसे रहा है सब। हाँ, यहाँ पे आने में जितने मेहनत लगता है, हाँ, बहुत मेहनत लगता है। यहाँ पे आने में बंदा हार मानने की कगार पे आ जाता है, पर यहाँ पर आने के बाद अगर आप नहा लेते हो और इंजॉय करते हो इस नेचर को, तो पैसा वसूल है और आपकी मेहनत वसूल है प्रॉपर, ठीक है। तो आने नहाना, देखो नहाया हमने, कुछ लाया नहीं था नहाने की, मतलब कपड़े वगैरह कुछ लाने, हमने रेंट पे लिया है कपड़े भाई, हमने पैसे पे लिए, हमने शॉर्ट रेंट पे लिया है, 50 रुपये पर हेड आता है, क्योंकि हम बिना नहाए मान नहीं था कि हम आए और बिना नहाए जाए कहीं से, कल गलती से मिस हो गया था वो। वन सेकेंड लाइक दिस आई एम गोइंग। फाइनली हम जा रहे हैं वापस डबल डेकर पर, नया एंजॉय किया, फोटो किया। ब्रिज की स्ट्रेंथ काफी सही है और बनाने वाले ने क्या दिमाग लाया। तो अभी एक सीन ये हो गया है, जिस डंडे को मैं दिखा रहा था और बता रहा था कि सबसे मैंडेटरी है, वही लॉस्ट हो गया। ये दिक्कत हो गई यार, मुझे थोड़ा सा ही पता नहीं था। तो अब चलते हैं वापस और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आते वक्त तो फेशियल एक्सप्रेशन देख के लोगों को लगा था कि जान निकलने वाली है, तो अब हम भी एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को। एक वापस चढ़ना है, अब उतनी सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए उतर के आए हैं, उतनी वापस चढ़नी है वो पार्किंग तक जाने के लिए। चलते हैं देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। फिलहाल तो नहा वहाँ के मस्त इन्जॉय करके, थकान जितनी आने की थी सब खत्म हो चुकी है। यहाँ आने के बाद एक अच्छी खासी टीम तैयार हो गई है अपनी। आए थे 4 बंदे, अब जा रहे हैं 10 बंदे। मैं टाइम बता दूँ, 4:25 हो रहा है और यहाँ से निकलना हमने शुरू किया, तो मान के चलो 5 मिनट पहले हमने निकलना शुरू किया, 4:20 से हम यहाँ से निकले हैं, और देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में। लोगों का कहना है कि कम से कम 2 घंटा तो लगना ही लगना है, तो हम देखते हैं हमें कितना लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो इस ट्रैक पर जब आप आते हैं तो ऐसा आपको एक ब्रिज मिलता है, और इस ब्रिज से मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको ऐसे चढ़नी पड़ती हैं। ये ब्रिज जब आ जाए तो समझ जाओ 10 मिनट की डिस्टेंस और रह गई है, और आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। आप उतर के आ रहे होते हो फिर आपको ऐसे चढ़नी होती है। हमने उतरने वाला यहाँ का कम्प्लीट कर लिया, अब हम मेन काम जो है हमारा वो है सीढ़ियों पर चढ़ने का, और बहुत ही थका देने वाला होने वाला है ये ब्रिज। आप देख सकते हैं ये ब्रिज जो है यहीं से सीढ़ियों का जो है उलटफेर होता है, उधर से आते हो उतरना है, इधर जाते हो चढ़ना है, और यहाँ से अब हम लोग के वापस जा रहे हैं, तो हम लोग को अब यहाँ से चढ़ने वाला जो सफ़र है मोस्ट डिफिकल्ट वो शुरू होने वाला है ट्रैक। एक दिमाग में आप क्या आ जाएगा कि हाँ यहाँ से अब चढ़नी है, और वहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी रह जाती है, मेन जर्नी अब अपनी यहाँ से शुरू होने वाली है। इस पूरे ट्रैक का जो सबसे खतरनाक पार्ट है जो मुझे लगा वो है ये ब्रिज। इस ब्रिज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लोहे का है और ये ऐसे है, कहीं पर भी अगर किसी का मतलब छोटा पैर है अगर वो पैर स्लिप करता है तो काफ़ी चोटिल हो जाएगा बंदा वो। तो इस ट्रैक को थोड़ा ध्यान से करना होता है, ये सबसे डेंजरस मुझे लगा है पूरे ट्रैक का। पीछे आप घने जंगल देख सकते हैं, इधर नदी। तो चले हम लोग चलते हैं फिर। पीछे आप सीढ़ी देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ट्रैकिंग का ये डिफ़िकल्ट है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखो ये बात तो कंफर्म हो गई, चढ़ने में दिक्कतें होती हैं बहुत। 20 सीढ़ियाँ चढ़ ले रहे हो ना, फिर पैर नहीं चल रहा है, बैटरी रहना क्या, थोड़ा थोड़ा चलो, तो बैठ के चलने में ही फ़ायदे हैं। 20 सीढ़ी चलो, 2 मिनट बैठो फिर चलो। अभी कितना चढ़ाई बाकी है इसका मुझे आइडिया नहीं है। टाइम हो गया है 5:30,
एक घंटा 10 मिनट हो गया। ऐसे टाइम और बच सकता था, लेकिन अपने साथ जो मेंबर हैं 4 उनमें से एक को घुटने पे चोट लग गई है, इसलिए उनके चक्कर में नीचे रुकना पड़ा है। पर कोई नहीं, ठीक है। पर अभी का सिचुएशन क्या है, पूरी बॉडी हीट हो गई है और पसीने पानी की तरह गिर रहा है। डिफिकल्ट है ट्रैक। लेट्स बिगिन। चलते रहना चाहिए वैसे, कैसा भी सिचुएशन हो क्या कर सकते हैं। आप ऊपर देखिए, सीढ़ियाँ ऐसी हैं एकदम सीधी, पीछे देखो एकदम सीधी सीढ़ी, और लेफ्ट का व्यू देखो, कहीं की सीढ़ियाँ इतनी सीधी हैं कि पूरा फील हो रहा है। मुझे इसका अंत समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक बार पीछे देखो, और लेफ्ट में तो व्यू अच्छा है। अभी तो सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है अपना, फिर भी एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे ट्रैकिंग का। वेरी टायर्सम, और बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेंथ हो तो ही हिम्मत रखे आने की, बाकी जितना थ्रिल है उतना ही पेन होगा। नो पेन नो गेन, तो एक बार जरूर आएं और एंजॉय करें लाइफ के इस बेस्ट इन क्लास मोमेंट को, लेकिन थोड़ा सा थाइस का ध्यान रख के, क्योंकि चढ़ाई ऐसी है कि बिल्कुल ही थका देने वाली। खासकर इस ट्रैकिंग में जो सीढ़ियाँ सीधी हैं, ऐसी सीढ़ियों की जो लंबाई है, चौड़ाई बोल सकते हैं, वो बहुत कम है। ठीक है, शूज देखो आप अंदाजा लगाओ इतनी की हैं, और ज्यादातर सीढ़ियाँ इतनी की हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना रिस्की है। अगर गलती से ही पैर आपका स्लिप कर जाए तो इतना तगड़ा चोट लगेगा, आप उसकी जान भी जा सकती है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं छुपाना क्या है इसमें। आप थोड़ा सा भी थके तो जबरदस्ती बूस्ट ना करें बॉडी को, बैठे रेस्ट करें, ज्यादा थकने की वजह से बहुत सारी दिक्कत आ सकते हैं। तो आप जबरदस्ती करते हो और बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, अनकॉन्शियस होते हो आप, तो चोटिल हो सकते हो। चढ़ते वक्त सीढ़ियों का ध्यान रखें, रुक रुक चले, आराम करके चले। एक बार तो आप आए अच्छा लगता है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, चलिए आगे मिलते रहते हैं। ऐसे यहाँ से निकलते वक्त जिस चीज को मैंने माना था कि आते वक्त सबसे बड़ा सहारा बनेगा मेरे लिए, वो आते वक्त साथ ही नहीं दिया। पता नहीं किसने चोरी कर ली स्टिक मेरी, और कसम से बता रहा मैं पूरे रास्ते उसकी याद आई है। फाइनली ये रहा गेट, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ट्रैकिंग डाउनफॉल के लिए। अभी टाइम हो रहा है 6:20, और स्टार्ट किया था हमने 4:20 पे। हमें यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग गए, पर उसमें से मैं गारंटीड कह सकता हूँ 50 मिनट तो हमने नीचे बैठ के मतलब ऐसे रेस्ट किया है। तो आपको चलना है अप्रॉक्स इधर से भी 1 घंटे ही है, 1 घंटे 1.25 घंटे, और आते वक्त भी 1.25 घंटे ही लगने होते हैं, बस 1 घंटे 20 मिनट बस। और बीच में आप थक थक के जो बैठते हो, उस पर डिपेंड करता है कितनी देर तक आप बैठ रहे हो और वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो फाइनली ओवरऑल 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और अपना ट्रैक ख़त्म होता है। सो लेट्स गो, मैं अपडेट देता हूँ आगे क्या होता है। आगे अभी यू टर्न लेना है इस ट्रैवल में।